सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड वो ही सागी लोकल एंड स्पेशल लॉ जी रेवेन्यू कोड्स अग में जने एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी गड हुंदी हो तो रेवेन्यू कोड्स जो उनमें कौन हो उनका पो जने रेवेन्यू ए लैंड रेवेन्यू एक्ट आयो लैंड रेवेन्यू एक्ट अचन का पो रेवेन्यू कोड्स अलग थी तो हाँ जो बनी या मसल आन या इन टाइप जहाँ इशूज आज वो सभी का पे रेवेन्यू कोर्ट्स में वन था रेवेन्यू कोर्ट्स का उतने इशू सो रिजॉल्व नो थे तो सिविल कोर्ट्स जहाँ अचन था पर उनका पे उ मामला सजा रेवेन्यू कोर्ट्स जहाँ हलिया वह हलिया तो ये माना उतने कोड कोड में मुराद सी पी सी में जैसे कोड जो लफ्ज़ इंदो तो वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 तस्वुर हवाले से पर उनमें जी रेवेन्यू कोर्ट्स वाले जो एक्ट है उनमें यो तो भाई ही ही तवा इन प्रोसीजर से हलो पर समन जे के वो तवा सीपीसी जे तहत करनो वो एक अलग शे पर सीपीसी रेवेन्यू कोर्ट्स से लागू कोन थी दी छकन तो उन जो पांजो एकड़ो अची वे हलो ओ एक्ट एंड रेवेन्यू एक्ट उन खा अलावा बियो सेक्शन 6 अच्छा सेक्शन 6 जको है इने में तवा के पर्टिकुलर सेक्शन याद करनो पोंदो इनो नंबर याद करनो पोंदो छकन तो ही है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से पिक्यूनरी लफ्ज जने कानून में इंदो तो इनमें वैल्यू मालियत मुख्तलिफ ज्यूरिसडिक्शन होंगी है सिविल कोर्ट के केस सिविल कोर्ट जका है वह हाँ सिंध में 10 वक्त जी जी वैल्युएशन जहाँ केसिस सिविल नेचर जहाँ उतने इंस्टिट्यूट थी सकन था उनका मथे वाला जी उ सीनियर सिविल कोर्ट्स में कराची में अस डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट के भी तो इन हवाले से यो पिक्यूनरी लफ्ज़ जैसे कानून में इंदो तो मालियत या वैल्यू के हवाले से लिखो वो ही सेक्शन तुम प्रॉपर तरीके से इनो नंबर याद कर सको 7 & 8 जो ओमिट थी खत्म थी उन सेक्शन अची वो हलो 9 सेक्शन 9 के हवाले से यो है सेक्शन 9 चे तो कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल कोर्ट्स अनलेस बार्ड माना सिविल कोर्ट जेका है उए बार्ड सेक्शन 9 अच्छा इन में यो है तो सिविल कोर्ट कैन हर्ड ऑल सिविल नेचर्स अदर देन एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड बार्ड माना इतने जो बार कानून में जैसे बार लफ्ज इंदो माना उन्हें मां रुकावट तस्वुर कई माना कें शे के रोकण सेक्शन 9 जो चाहे तो वो यो है सिविल नेचर जा द कोर्ट शल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंड हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ऑल सिविल नेचर्स एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली इम्प्लाइडली बार्ड को कैंजो कॉग्निजेंस रेवेन्यू कोर्ट्स जो है या उनके अलावा बया अड़ा मैटर्स एक्सप्रेसली ही लफ्ज़ तुम याद रखो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड जिते अची वे सूट सिविल नेचर जहाँ बया जो सूट हैं वे सब सिविल कोर्ट उन्होंने हेयर हर्ड कर सके थी बुधी सके थी उन असान जो जो सेक्शन इंदो वो इंदो सेक्शन 10 सेक्शन 10 हिकड़ो ऑन द होमवर्क रेस रेस सब जुडाइस रेस सब जुडाइस ही लैटिन मैक्सिम है जी म्यूटेटिस म्यूटेंडिस ये एकड़ा लैटिन ये मैक्सिम इन कोर्ट मैक्सिम के हवाले से एकड़ो लेक्चर असि रिकॉर्ड कंदासी सेक्शन 10 जो है उनमें रेस सब जुडाइस माना रेस सब जुडाइस एक लैटिन मैक्सिम है लैटिन मैक्सिम इनकी माना है अंडर जजमेंट
लेटिन मैक्सिम है इन माना है अंडर जजमेंट। अच्छा इन जो जो को तो आगे हम ब्रीफली बुधाए छना तो सेम पार्टीज सेम सब्जेक्ट मैटर कोई एडो इशू कोई एडो मसलो जो कि जेने सागियो पार्टी हो जाने सागियो सब्जेक्ट मैटर हो जे हिन पेन ते ब मानन जो केस पान में हलियो उनका को वरी हिन पेन ते उनन सागिन बिन मानन जो केस हलियो तो उए शय जे केन उए हिन में सेक्शन में बार केलन तो उए हिन सेक्शन 10 जे मुताबिक एडा सूट इंस्टीट्यूट न करनी कोर्ट जे में सेम पार्टीज जो सेम सब्जेक्ट मैटर ते अग में ही मसलो हल थी चुयो हो जे ये। अच्छा वो इनमें वरी एकड़ी बी शे जेका है वो तमाम जन मशीन कंदो एकड़ो पॉइंट तो फॉरेन कोर्ट में जेकने कोड़ो केस हलदड़ है इन सेम नेचर जो है सेम पार्टी दे विच में तो वो इनमें शामिल कोन हुंदो सेक्शन में। हाँ जेकने फॉरेन कोर्ट्स जे हवाले से कोई इशू अचे तो फॉरेन कोर्ट में को केस हले पियो वही पाकिस्तान में वो सूट थी सके तो उन्हें में असी यस कंदासी बाकी जेके हुंदियूं वो सेक्शन सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर ते जेकने को मैटर एक दफा आगे जजमेंट उनकी थी चुकी हुए या हलदल हो जे तो वो हलदल हो जे पेंडिंग हो जे अंडर जजमेंट हो जे तो वो बीहर केस जो को है सेम नेचर जो दाखिल न थी सकंदो। उनका को सेक्शन 11 अचे तो सेक्शन 11 में वरी है रेस जुडिकाटा शेयर कयो एडजुडिकेशन सभी के बुझी उनका बाद में जैसे के मैटर जो फैसलो किया हो सेम पार्टी सेम इशू ठीक इतने वो सागी गाल है इतने है अंडर जजमेंट जैसे केस पेंडिंग हो जे सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर से अग में तो बीहर बो केस उन सागी मैटर से ना दाखिल थी सके सिवाय फॉरेन कोर्ट में जैसे वो केस पेंडिंग हलदड़ है तो वो पाकिस्तानी कोर्ट में थी सके तो बाकी अदरवाइज नो थी सके। बाकी रेस्ट जुडिकाटा में एडजुडिकेशन में सभी के बुधन का पो वो फैसलो मेरिट ते उनको फैसलो अची चुको हो जे उन सागी मैटर जो तो वो केस जो है सो बीहर नो थी सके। जनरली इज प्रिंसिपल दैट अ केस ऑफ एक्शन केस ऑफ अच्छा जनरली इज अ प्रिंसिपल दैट अ कॉज ऑफ एक्शन मे नॉट बी री लिटिगेटेड वंस इट हैज बीन जज्ड ऑन मेरिट वो सागी हाल एडजुडिकेशन तो जैसे एक दफा वो मैटर मेरिट से बुधी सभी पार्टी के उनका उनको फैसलो थी वो हो तो सेम पार्टी के विच में सेम सब्जेक्ट मैटर से बो सूट नो इशू इंस्टिट्यूट थी सके। उनका वरी जो असो है सेक्शन 12 है सेक्शन 12 के हवाले से कुछ जी जरूरी है समझा तो शेयर कर खपन सेक्शन 12 सेक्शन 12 में असी पढ़ा सी तो 12 टू फर्दर सूट केड़ा सूट जेके बीहर नथा थी सकन 12 टू फर्दर सूट 12 में मुराद तुम्हें बुधायो तो जड़े भी ला में 12 जो लफ्ज इन तो माना रुकावट मान वधिक जेके सूट्स हैं उन केड़ा अड़ा सूट हैं जिन ते बार विझी छो तो वो हिन में लिखल है तो एकड़ा वो है जैमें प्लेंटिफ जी गैरहाजिरी सबब केस खत्म थो हो ऑर्डर 9 जुलाई 9 में एब्सेंशिया में उन सागी मैटर खत्म थो हो या उन अलावा वो सूट जैमें प्लेंटिफ कें कॉज ऑफ एक्शन तां या कें डिफेंडेंट तां विड्रॉ करे वो हो सागो कॉज ऑफ एक्शन बीहर नो थी सके इंस्टीट्यूट सूट में नो थी सके या प्लेंटिफ कें डिफेंडेंट तथ खड़ी हो जे तो उन्हें सागे डिफेंडेंट के खिलाफ उन्हें सागे नेचर जो या उन्हें सागे काज ऑफ एक्शन से वो सूट नो कर सके। तो यो असो जो अज जा जेके एक का वी 12 ताई जेके असा सेक्शंस वा सीपीसी जा लॉ गेट जे सिलेबस के हवाले से वो तवा से डिस्कस कराया सी समझा तो यकीन से चई सकां तो जेकर 2-3 दफा तवा इन लेक्चर्स के बुधो उनका बाद में तुम 2-3 दफा बैरेक्ट के रीड कर ये 12 सेक्शंस हैं उ बिल्कुल क्लियर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट है वो सो क्लियर थी वो एग्जाम्स में जो 12 सेक्शंस में
चार का पंज क्वेश्चन बची हलिया तुम यकीन से चवे तो सभी अटैम्प्ट करे वा हलिया। नेक्स्ट लेक्चर तीन मोकलाइंदी। अल्लाह हाफिज़।